यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। एक तरफ एलएसपी ने अपने चुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है जींद उपचुनाव के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने उपचुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। चरखी दादरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने ऐलान किया कि पार्टी ने जींद उपचुनाव के बदले लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। और इसके साथ ही जयहिंद ने यह भी बताया कि 4 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दादरी में शहीद हुए परिवार को 1 करोड़ रुपये की राशि देंगे। जींद उपचुनाव की तो हमने ये कहा था भाई साहब कि जींद उपचुनाव तो काफ़ी पहले ये फाइनल हो चुका है कि भाई जींद उपचुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी लोकसभा और विधानसभा मुख्य टारगेट है फुल फ्लैग लड़ती है। 4 तारीख को 4 जनवरी अरविंद केजरीवाल जी दादरी में आ रहे हैं, शहीद रविंदर चाहर उनको सम्मान दिया जाएगा और सम्मान राशि के रूप में 1 करोड़ रुपये दिया जाएगा।